लीड एसीपी गोविंद शर्मा और एसीपी सुभाष कर रहे थे, काफ़ी दिनों से इस पर लगे हुए थे। और इसको अजय जो हमारे एसीपी स्पेशल थे अपनी टीम के साथ एक ऑपरेशन में लगे हुए थे, जिसमें इन्होंने परसों यानी 9 तारीख को गढ़चिरौली से अजीत रे नाम के आदमी को अरेस्ट किया है। अजीत रे के पास से 45 कार्टिजेस मिलेंगे। इसका बैकग्राउंड ये है कि इस साल 12 जुलाई को स्पेशल सेल की टीम ने रामकृष्ण सिंह नाम के बिहार के आदमी को अरेस्ट किया था, जिसके पास से 407 कार्टिजेस मिले। ये कार्टिजेस इंसास के, एसएलआर के, T03 के और 0.32 के थे। और ये इनकी डिलीवरी ये दिल्ली में पकड़ा गया था। वन ऑफ द रिसिपिएंट्स जो था इनका वो था अजीत रे। अजीत रे के बारे में उस वक्त तक हमारे डिटेल्स हमारे पास नहीं आ पाए थे और हम पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि अजीत रे है कौन। लेकिन ये कार्टिजेस जहाँ से आए थे वो संजय सिंह नाम का आदमी फिर हमने सब्सिक्वेंटली पकड़ा था अभी 13 अक्टूबर को, जो आरा बिहार से पकड़ा था। वीडियो में 22 कार्टिजेस में मिले थे। लेकिन जो रिसीवर एंड पर था उसके बारे में पता चल रहा था कि गढ़चिरौली का रहने वाला एक आदमी है और ये कार्टिजेस के लिए जाते हैं। सब फाइनली इवन तब से हमारी टीम लगातार गढ़चिरौली में कैंप कर रही थी और परसों रात को इन्होंने शाम को इनको सक्सेस मिली जब ये अजीत रे पकड़ा गया। अजीत रे की बैकग्राउंड ये है कि अजीत रे नक्सल्स के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। ऑलमोस्ट 1992 से ये नक्सल्स के साथ काम कर रहा है।